बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक फॉर आज ब्लॉग। और आज का ब्लॉग जो है स्टार्ट हो रहा है भाई 5 या 6 तारीख से, क्योंकि जो है ना वो ज़िलहज का जो है महीना चल रहा है, तो इस वजह से जो है ना मैं और मामा जो है वो उसे बहुत अच्छे से रख रहे थे। तो सीन कुछ ऐसे थे कि मैं हो चुकी थी फुल ऑन लेट, और जो है ना मैंने किया क्या भाई, फटाफट से जो है ना जल्दी से जैसे तैसा करके ऑमलेट बना लिया। और मैं जो है ना मैंने हाफ फ्राई करना था, फिर टाइम थोड़ा कम था तो मैंने फटाफट से जो है ना ये इसको ऑमलेट बनाया। इसके अंदर नमक और काली मिर्च ऐड की, इसको मिक्स एंड वेल किया, और उसके बाद जो है ना स्लाइस के अंदर इसको डाला और सैंडविच मेकर के अंदर जो है फटाफट से सैंडविच बना लिए, और चाय का कप रख लिया, और फटाफट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी सहरी कम्प्लीट की। और मामा ने जो है ना वो अपनी कुछ चीज़ें थी वो खा ली थी, मामा रोटी वगैरह, तो वो मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। और उसके बाद जो है ना फिर हमने क्या किया भाई, हमने जो है अचार डाला है तो उसका भी जो है कुछ कुछ फाइनल जो है ना वो हो रहे थे। तो यहाँ पर मैंने पहले आपको दिखाया था कि मैं अचार डालने के लिए नमक और हल्दी में कैरियों को डुबा चुकी थी, और यहाँ पर जो है ना ये देखें स्टेनर में मैंने निकाला था, और उसका वाटर जितना भी है वो सारा निकल आएगा बाउल में, और यहाँ पर कैरियाँ जो है मेरी डन हो चुकी थी। और उसको बाद जो है ना भाभी ने क्या किया था, छत पर जाकर कैरियों को सुखा आई थी, और जो है ना क्या कहते हैं इसके नमक के पानी में हमें दूसरी चीज़ें और डिप करनी थी। सो फिर ये था भाई शाम का सीन, और यहाँ पर मैं कुछ बना रही थी। अब मैं क्या बना रही हूँ मुझे खुद को भी याद नहीं मैंने क्या बनाया था। तो यहाँ पर जो है ना भाई कढ़ाई पड़ा हुआ है, और कढ़ाई के अंदर मैंने प्याज और गर्म मसाला वगैरह ऐड करना है, क्योंकि जो है ना कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा दिल होता है कि मैं खाने बनाती रहूँ। तो फिर भाभी को कहती हूँ, भाभी आप एक काम करें कि आप झाड़ू पोछे वगैरह या जो भी आगे पीछे के काम होते हैं वो आप देख लें। तो भाभी ने कहा चले ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने मोहम्मद बाकी के लिए एक बहुत ही मज़े का जो है ना एक स्नैक भी बनाया था, तो मैंने चिकन बॉईल की थी और एक अदद आलू बॉईल किया था, और उसके साथ साथ मेरा खाना भी जो है वो बन रहा था। सो अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बीच में जो है ना भाई यहाँ पर मैंने पापा के कपड़े इस्त्री करने थे। सीन कुछ ऐसे थे कि भाभी और मम्मा जो है ना वो सोयम में गए हुए थे, किसकी, जिनकी अभी शादी हुई थी रिसेंटली भाई की साली की, उनकी जो है सास की डेथ हो गई थी, तो वो वहाँ गए हुए थे। तो मैं जो है ना फटाफट से मैंने कहा चलो भाई मैं खाना बना ली, तो मेरे ख्याल से मैंने कुछ सालन चावल जैसा कुछ बनाया था, और यहाँ पर मैं अपने मोहम्मद के लिए बना रही थी स्नैक। तो उसमें मैंने जो है ना बॉयल चिकन और आलू को मिक्स किया, उसके अंदर मैंने थोड़ी सी काली मिर्च और नमक जो है ऐड किया है, और उसके साथ साथ मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून जितना कॉर्नफ्लावर ऐड किया था, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई छोटा बच्चा है इसको काली मिर्च चाहिए वो, क्योंकि आलू जो है ना वो थोड़े से बादी वगैरह करते हैं, तो उसमें काली मिर्च थोड़ी सी ऐड होना ज़रूरी है। और बाकी ये कि टेस्ट भी अच्छा हो जाता है, और बच्चे जो है ना वो सीख भी जाते हैं कि जल्दी जल्दी से जो है ना मिर्च वगैरह खाना, वरना वो सारी ज़िंदगी मोरे मतलब कि पीके पीके आलू और चावल वगैरह खाते रहते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं होती। तो खैर यहाँ पर जो है ना मैंने इसको इस तरीके से बटर पेपर पर फैलाया, और कुछ इस तरीके की मैंने स्टिक्स काट के रख ली थी, और उसके बाद मैंने जो है ना 10 से 15 मिनट डीप फ्रीजर कर दिया, और उसके बाद मैंने इसको निकालते निकालते फटाफट से जो है ये फ्राइज बना लिए थे। अब इसका कुछ नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये कुछ तो थे जो मैंने सिर्फ ऐसे ही स्क्रॉलिंग करते हुए मैंने देखी थी क्या कहते हैं रील पे, तो मैंने इसको ये मोहम्मद के लिए बना लिया, और ये इसे बहुत पसंद आए थे। बट इसका जो है ना वो माइनस पॉइंट ये था कि ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना ऑयली हो रहे थे, क्योंकि कॉर्नफ्लावर जो है वो इस वजह से। तो मैंने कहा कि अब जो है ना मैंने बनाना है, तो मैंने जो है अंडे और जो है ब्रेड क्रम के साथ बनाना है, ताकि वो ईजीली जो है वो इंजॉय करके खा सके। खैर तो मैंने बनाई थी माश की दाल और चावल, ठीक है मोटी जो दाल होती है वो, सालन और जो है ना चावल बनाए थे। उसके बाद जो है ना भाई लेकर आया था कुछ चीज़ें, तो वो भी मैंने जो है ना खाई थी उसके साथ साथ। उसके बाद आ गए थे कि ये अफ्तारी का टाइम जो कि दूसरे दिन का था, तो यहाँ भाभी ने बनाए थे आलू के पकौड़े, और जो है ना यहाँ पर कुछ बन रहा था अकनी शकनी मेरे ख्याल से, तो ये है। और जो है ना मैंने मोहम्मद के लिए उसी दिन वाले जो बैटर था उसमें थोड़ा सा बेसन लगा के जो है ना कचौरियाँ बनाई थी भाभी ने, और उसके साथ साथ फालतू की जूस वगैरह, क्योंकि फालतू का मौसम है और मुझे फालतू बहुत पसंद है, और मैं ढेर सारा जूस बना बना के पीती हूँ। खैर यहाँ पर जो है ना हमारा मुर्गी का सालन और चावल भाभी ने बनाए थे, और जो कि बहुत ही मज़े के अगेन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें जो कुछ दिया हमने पेट भर के खाया। और उसके बाद जो है ना ये आ गया फिर से सहरी, क्योंकि भाई सहरी जो है ना ये 3 से 4-5 दिन के अंदर अंदर का है, मैंने सहरी कहनी थी। और मोहम्मद को मैंने जो है ना वो थोड़ी सी दही जो जमाई थी वो मैंने खा ली, क्योंकि उसका पानी जो है ना वो आपके पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, तो मेरा पेट थोड़ा सा गड़बड़ करता ही रहता है, तो मैंने जो है ना दही का पानी पी लेने से ये फ़ायदा होता है। खैर तो मामा ने जो है रोटी और अंडा खाया था, और मैंने जो है ना भाई ये खाया था चाय और मक्खन और बस यही, क्योंकि मुझे कुछ भी दिल नहीं कर रहा था। उसके बाद मैं जब उठी तो यहाँ पर कुछ काम वगैरह करने थे तो वो मैंने किए, और जो है ना
बस ये सारे सुबह सुबह आप कितना भी रात को काम करके जाओ ना, पता नहीं क्या मुसीबत है, सुबह कुछ ना कुछ पहलावा होता ही होता है। सो यहाँ पर जो है ना सारा जो है ना वो काम हो चुका था। फिर जो है ना ये मेरे ख्याल से 8 या 9 तारीख का रोज़ा है जब हम लोग जो है ना मम्मा सारी चीज़ें लेकर आए थे, मैंने फ्रूट्स निकाले थे, समोसे वगैरह लिए थे और बस मैंने यही सारी चीज़ें खाई थी और मैंने एक समोसा खाया और उसके बाद जो मेरे पेट की हालत हुई, अल्लाह माफ़ करे, तो मेरा पेट पता नहीं क्या मसला है, पेट का दर्द मेरा ठीक नहीं होता। मम्मा कहती है पता नहीं कौन सी बात है जो आपने छुपाई हुई है कि आपका पेट का दर्द ठीक नहीं होता। तो खैर इसके बाद जो है ना ये था भाई पूल पूल पार्टी की थी हमने मोहम्मद बाकिर के साथ, क्योंकि मेरी जो भाई हैं वो लेकर आए थे पूल और उसको जो है ना पानी में बैठना बहुत पसंद बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर जो है ना ईदी से हमने जो है ना इसके पूल ले लिया, काफ़ी टाइम से जो रमज़ान ईद से ईदी पड़ी हुई थी वो पड़ी हुई थी तो हमने कुछ भी नहीं लिया था, तो यहाँ पर हमने मोमो के लिए ये ले लिया क्या कहते हैं पूल और उसके अंदर ढेर सारे बॉल डाले और मोहम्मद की जो है ना खुशियाँ थी मोहम्मद बाकर की कि जिसकी को हद नहीं, क्योंकि सिर्फ पानी की वो भी मछली है पप्पो की तरह, इतना मज़ा आ रहा था। और ये तकरीबन 20 से 25 मिनट जो है ना पूल पे लिखा हुआ है कि आपने इसको बिठाना है और वाकई में 20 से 25 मिनट और उसके बाद भी ये नहीं निकल रहे थे, ज़बरदस्ती हमने जो है ना इसे निकाला। बट ये कि बहुत बहुत ज़्यादा इसने इंजॉय किया और जो है ना ये देखें इसके जो है ना मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सकती, बट ये इतना खुश हुआ था इतना खुश हुआ था कि जिसके इंतहा नहीं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह जो है ना ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना सीन हो गया। और उसके बाद ये देखें बस थोड़ी सी वीडियो मैंने बनाई थी, मैंने कहा यार डालेंगे क्योंकि ये जो है ना बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था जब खेल रहा था ना, और छोटे बच्चों पर वैसे भी बहुत ज़्यादा प्यार आता है। खैर सो अल्हम्दुलिल्लाह हमने रोज़ा खोल लिया था और पूल पार्टी हमारी चल रही थी, पूल पार्टी। खैर ये सारी सीम है और उसके बाद जो है ना सब जो है ना बॉल्स वगैरह हमने इसको दे दिए और ये इतना माशाल्लाह खेल रहा था पेट भर के, मतलब कहते हैं ना जिसको पेट भर के खेल। खैर सो यहाँ पर जो है ना मोहम्मद बाकी तो खेलते रहेंगे, तो सीन कुछ ऐसे हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई आपका कुर्बानी वाला ब्लॉग क्यों नहीं आता, तो सीन कुछ ऐसे हैं कि हमारे जो है ना तकरीबन 4 साल हो गए और इस साल को मिला के 5 साल जो है वो हो चुके हैं, हम जो है वो पर्सनली कुर्बानी नहीं कहते, वैसे हम हर साल कहते थे बहुत सालों से कहते थे, बट 5 साल में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जिसको कहेंगे वो हो गई है हमारे साथ। बट ये है कि भाई जब अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा, तो इंशाल्लाह आने वाला जो साल है उसमें सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अल्लाह ताला से जो है ना अच्छे की उम्मीद होनी चाहिए और अच्छा ही सोचें तो अच्छा ही होगा और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो अपने लिए तो ऑटोमेटिक हो जाएंगी। तो बस ये सारी सीन है कि बस अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आने वाले साल में ज़रूर जो है ना हम कुछ ना कुछ करेंगे कुर्बानी में, और जो है ना बस ये सारी सीन है। सो इंशाल्लाह आने वाला साल बहुत बहुत अच्छा होगा, इतना अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, और आने वाला काल जो है ना वो बहुत ही अच्छा होगा इंशाल्लाह। सो खैर यहाँ पर जो है ना बाकी ये कि मेरी जो बहन है पिया उनकी जो है ना 3rd ईद को कुर्बानी होती है, तो पहले दिन जो है ना हमारी कुर्बानी वो होती है मेरी चाचू की मेरे पप्पो की। तो मेरे चाचू के घर का हमेशा से मतलब हम जब कुर्बानियाँ करते थे ना तब भी जो है ना मेरे चाचू के घर का जो है ना गोश्त की बिरयानी अपनी जो है वो बनती थी फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि जो है ना मेरी जो है चाचू की गाय सबसे पहले कटती है, तो हम जो है ना वो गोश्त निकालते थे चाचू के घर का और उसके जो है ना गोश्त की बिरयानी या अकनी जो भी बनती थी जब हमारी खुद की गाय कटती थी तभी। और अब भी जो है ना वो यही सीन होता है कि जब तक मेरे चाचू की गाय का गोश्त ना आए तब तक हमारे घर की बिरयानी नहीं बनती, उसके बाद जो है ना हमारी बिरयानी बनना स्टार्ट होती है। तो कुछ ये सारे सीन थे और उसके बाद जो है ना बस ये सारा समप था, मैंने कहा मैं आपको बता दूँ कि इंशाल्लाह आने वाले साल में ज़रूर जो है ना हमारी कुर्बानी का जानवर होगा। आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक जिन्होंने किए हैं अल्लाह ताला सबके कबूल करे और जिन्होंने नहीं किए तो अल्लाह ताला उनके लिए आने वाले साल में ऐसे अच्छे वसाइल पैदा करे कि जिसकी कोई इंतहा ना हो। खैर इसके साथ साथ जो है ना ये थी सारी बातें और यहाँ पर जो है ना हमारा लास्ट रोज़ा समझ लें या कुछ ऐसा ही सीन था। तो यहाँ जो है ना मैं मम्मा जो है वो खा रहे थे सहरी कह रहे थे हाँ जी ये हज वाले दिन का है। सो मैं जो है ना वो पानी के चक्कर में थे तो मैंने अपना कुछ भी व्लॉग नहीं शूट किया था। ये मोहम्मद बाकी ने 10 से 15 मिनट कपड़े पहने थे जो कि हज के लिए थे, मैंने भी पहने थे और बहुत गर्मी थी हज वाले दिन, तो हमने जल्दी से उतार दिए और मीठे चावल तो हर साल अम्मा बनाते हैं तो वो थे। और जो है ना ये ज़िलहज्जा के जो है ना वो
रोज़े बहुत ही खतरनाक थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा शदीद गर्मी थी, क्योंकि रमज़ान में जो है ना इस वक्त बहुत ठंडक ठंडक वाला जो है ना वो सीन था, तो इतना कोई ख़ास भारी नहीं लग रहे थे रोज़े, लेकिन ज़िलहिज्जा के जो रोज़े थे ना बहुत ही ज़्यादा हैवी किस्म के थे, तो मतलब मत ही पूछा। खैर, सो इसके बाद जो है ना हज वाले दिन हमने बनाए थे आलू सुआ, और जो है ना जो सब्ज़ी होती है वो चिकन का सालन बड़ा था वो गर्म कर लिया था, और जो है ना मीठे चावल, सो ये तो सारी चीज़ें होती है, क्योंकि हज वाले दिन जो है ना मेरे पापा की बर्थडे भी होती, पापा जो है वो हज वाले दिन पैदा हुए थे, तो ये कि बस ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो उसके साथ साथ जो है ना हमने बनाया था बस ये जो है ना आलू सुआ का कुछ बैटर था, तो मैंने उसको कुछ पीस लिया और मैंने सैरी कर ली इससे ही, क्योंकि ये था चांद रात का रोज़ा, लास्ट लास्ट रोज़ा जिसको कहते हैं, तो वो था, तो मैंने फटाफट से सैंडविच बना लिया अपने लिए, क्योंकि जब तक साइज होती है ना तो आपकी बहन तो सैंडविच पे ही पलती है, तो ये सारे सीन हुए। उसके बाद मैंने डाला था अचार, और फिर मैंने धोए थे कपड़े उसी दिन सुबह सुबह, क्योंकि लास्ट डे था ना, तो चांद रात वाले दिन मैंने सोचा कि मैं कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि चांद रात वाले दिन आपको कोई इतना इशू नहीं होता है, तो मैंने बट कह रही हूँ। और जो है ना यहाँ पर देखिए मेरा अचार जो है वो बस ऑलमोस्ट फाइनल होने वाला था, तो एक तरफ था मशीन, एक तरफ था पानी ऑन, एक तरफ था, तो वो आपकी बहन को ज़्यादा शौक भी ना अपने हाथों से काम बढ़ाने का, तो मैं कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ, मतलब मैं फारिग बैठने वालों में से नहीं हूँ। सो खैर, इसके बाद जब मैं उठी अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो चुके थे, और जो है ना झाड़ू पोछे भी भाभी ने कर लिए थे, और मेरे ख्याल से ये सारे सीन हो चुके थे, और मैंने बनाया था भाभी ने बनाया था कोरमा, और जो है चावल और पकौड़े शकौड़े जो कि रोज़ा खोलना था, तो वो हमने खाए अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर के, और जो है ना बस ये सारे सीन हुए। मैंने फटाफट से जो है ना पकौड़े वगैरह खा लिए, और उसके बाद जो है ना मैंने कपड़े तय करके, भाभी ने रखे थे कपड़े तय करके, तो मैंने जल्दी जल्दी अलमारी में डालना शुरू कर दी, क्योंकि मैं जो है ना मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि मैं फ्रिज साफ़ कर रही थी, और जो है ना यहाँ पर आ गया था माँ रोटी, और पापा ने जो है वो दुकान को ले रखी थी, तो बाजी ने जो है ना वो चिकन टिक्का और रोटी छोटी भेजी थी, तो वो भी पापा ने ऊपर भेजी थी, पापा इतना सारा नहीं खा सकते, सो वो हमें भेज दी थी। फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह करके खाना खाया, और यहाँ पर ये देखें डीप फ्रीजर में कच्चा पपीता जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, धनिया पुदीना कड़ी पत्ते और जो है ना सारी चीज़ें जैसे कि होती हैं, वो सारी चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइज़ करके फ्रीज के अंदर रख दी थी, ताकि जो है ना वो हमें खाना बनाते वक्त कोई टेंशन ना हो। और 8 दिन की मेरी अम्मा की छुट्टी होती है, क्योंकि मेरी अम्मा नहीं जाती, और यहाँ पर एक सीन हो गया कि चांद रात वाले दिन मामा ने रोज़ा वोज़ा खोल लिया, सब कुछ हो गया, और रोज़ा खोलने के बाद मामा को अचानक से जो है वो इतना तेज़ बुखार हो गया, और उसके बाद जो है ना बस मामा को पूरी रात बुखार रहा, और उसके बाद हो चुकी है ईद मुबारक, तो आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और यहाँ पर जो है हमारा सुबह का नाश्ता जो है वो यही होता है, शीर कुरमा और सारी चीज़ें। सो आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।